हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो आप सब? आज हम वेज मंचूरियन बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं इसलिए बहुत ज़्यादा जी हेल्दी हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वेजिटेबल्स को धोकर अच्छे से बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में। अब एक बाउल लेंगे, उसमें धीरे धीरे करके सभी वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ, बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे, कटे हुए प्याज डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई। 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच अरारोट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हाथों को इससे दबा दबा कर हाथों को इसे लेकर हाथों में अच्छे से दबाएंगे और बॉल्स बनाएंगे। अगर बॉल्स ना बन रहे हों तो थोड़ा सा अरारोट और मैदा डाल सकते हैं आप। इस तरह अगर हाथों में लेकर आप इस तरह दबाएंगे ना तो अच्छे से बन जाएंगे बॉल्स। इसमें पानी नहीं डालना है, जो अरारोट और मैदा है उसी से ही अच्छे बाइंडिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह हाथों में लेकर दबाएंगे तो बॉल्स बनते जाएंगे। अगर बॉल्स ना बन रहे हों फिर भी तो आलू को उबला हुआ आलू लेकर इसमें डाल सकते हैं। आलू डालने से अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। उबले आलू को अच्छे से मैश करके इसमें डाल लें, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, बॉल्स बनाने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। मैंने आलू नहीं डाला है, ऐसे ही बना रही हूँ जो आसानी से बन जाते हैं। जी देखिए इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं। अगर कोई वेजिटेबल आपको अच्छी ना लगती हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को पत्ता गोभी अच्छी नहीं लगती है तो पत्ता गोभी स्किप कर सकते हैं। और कोई सब्ज़ी आपको ना अच्छी लगती है उसे स्किप कर सकते हैं। आप जो पसंद हो वो डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स हो वो भी डाल सकते हैं, फूल गोभी को भी डाल सकते हैं। फूल गोभी को भी बारीक काट कर इसमें डाल लें। जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं और जो ना हो उसे स्किप कर सकते हैं। अब हाथों को दबाते हुए इस तरह बॉल्स बनाते जाएंगे, जो आसानी से बन जाते हैं। बॉल्स हमारे बन चुके हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, वो अच्छे से गर्म हो जाए तो सभी बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब एक एक करके बॉल्स डालते जाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। एक एक करके डालते जाएंगे बॉल्स को, एक बार में जितने भी डाल सकते हैं डाल लेंगे। इसमें बीच बीच में इसे हिलाते भी जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो उसे बना सकते हैं। ज़्यादा वेजिटेबल्स ना हो तो कम वेजिटेबल से भी ये बनाए जा सकते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर और जो बाकी हमारे बॉल्स बचे हुए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बीच में 1-2 बार चम्मच से इसे हिला लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं।
ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेंगे। हमारे बॉल्स बनके रेडी हैं, अब हम इसके जो सॉस है वो रेडी करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेकर उसमें एक चम्मच ऑयल डाला है मैंने। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसे हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो, हल्का सा भुन जाए तो इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को भी ज़्यादा नहीं भुनेंगे हम, बस हल्का सा उसका कलर चेंज करना है। हरी मिर्च डाली है मैंने एक से दो काट कर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी तीखा आप पसंद करते हो। अब जो वेजिटेबल्स के हमने बॉल्स बनाए थे ना, वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने बचा कर रखी हुई थी, वो सभी वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। अब सभी को मिक्स करेंगे, अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें सॉस डालेंगे। सबसे पहले मैं जहाँ टमाटो सॉस डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब, चिल्ली सॉस डाल रही हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब सोया सॉस डालेंगे, आधा से एक चम्मच। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आधा चम्मच के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ, ताजो जो भी हमने मसाले या सॉस वगैरह डाली है वो अच्छे से उसका टेस्ट आए। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, आप जितना भी लिक्विड बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डाल लें। अगर ज़्यादा लिक्विड बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं आप। ये पानी काफ़ी पतला लग रहा है ना आपको। चलिए अब एक कटोरी लेंगे और उसमें आधा चम्मच अरारोट डालेंगे, पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और इसका एक घोल रेडी करेंगे और इस घोल को हम उस सॉस में डाल देंगे। उसे जो उसकी जो थिकनेस थी ना सॉस की, वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, सॉस हमारी गाढ़ी हो जाएगी जो घोल डालने से। कि अब जिसमें घोल डाल देंगे हमारा रोट का, और जो सॉस हमारी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। हम अपने मंचूरियन देख लेते हैं। जी देखिए, जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, ऐसे ही हमें चाहिए। जी देखिए, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अब इसका एक बॉयल आ चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम अपने सभी बॉल्स। बस अब इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। जी हमारे वेज मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी हैं। जी देखिए, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।